नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये जो पीछे दरिया दिख रहा है समुंदर की तरह। ये दरिया जो है बहुत बड़ा है, ये पौंग डैम है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आप देखते हैं ये पौंग डैम जो है कितना बड़ा है। ये सारा पानी इकट्ठा है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा है, पौंग डैम कहते हैं इसको। ये तो सारा पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा होता है। ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी का पानी इसमें इकट्ठा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 40-50 किलोमीटर के इसमें यहाँ पर पानी की चौड़ाई है, जो इतना पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। आप देख सकते हैं ये जो पानी सामने दिख रहा है, एक प्रकार का यह समुंदर है। मैं यहाँ से थोड़ा आधा किलोमीटर दूर से हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब है तो पानी कभी भी बढ़ सकता है। तो आप ये नीचे पीछे खाली हिस्सा देख रहे हैं, ये ऊपर तक पानी चला जाता है। आप देख सकते हैं ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बरसात में यहाँ भी पानी आ जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना पानी है, और पानी को देखकर भी डर लगता है। ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊंगा, क्योंकि पानी का पता नहीं होता बारिश कब हो जाए। बरसात का मौसम है, कभी भी पानी ऊपर बढ़ सकता है। ये जितना भी आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पर सारा पानी होता है बरसात में, और पानी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं इतना पानी है। तो ये है ब्यास नदी, जिसका पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। रात को थोड़ा पानी बढ़ा है इसका, देख सकते हैं। अभी थोड़ा मौसम ख़राब है, तो इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है नदी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये जो मैं इधर की तरफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कम से कम 50 किलोमीटर चौड़ाई है जो पानी की, तो पानी यहाँ पर इतना इकट्ठा होता है, और काफ़ी लंबाई है। एक प्रकार का ये अभी पानी के अंदर हवा भी चल रही है, तो लहर आने का भी डर रहता है, तो इसलिए नदी से दूर ही हूँ। कोई पता नहीं होता कब पानी आ जाए। तो ज़्यादातर यहाँ पर कहते हैं कि शूटिंग भी होती है, क्योंकि यहाँ से सीनरी जो है नदी की बहुत अच्छी है।
से मूवी और शूटिंग होती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितना पानी है ब्यास नदी के अंदर। ये डैम है हमारा, पोंग डैम इसको कहते हैं। पोंग डैम जो होता है हिमाचल में बिजली तैयार की जाती है इसकी, और ये पंजाब बॉर्डर पर है, क्योंकि इसका जो पानी है हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा किया गया है ये बांध। बाखड़ा बांध भी हिमाचल का ही बांध है और उसको भी बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना पानी है इसमें। आपको जितनी भी खाली जगह दिख रही है ये सारी पानी से भर जाता है, या पानी ऊपर तक लपालप होता है। आप देख सकते हैं ये जो उधर पेड़ है, इस पेड़ के पास तने के पास पानी टच करता है, तो आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर पानी जाता है। तो ये गांव जो है हिमाचल का नंगल चौंक गांव है, और साथ में सामने जो है देहरा गांव है। तो आप देख सकते हैं नंगल चौंक जो है डाडा सिबा के पास है, और डाडा सिबा से आगे पड़ता है सिउलखड। तो पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है कि पानी को देखकर भी डर लगता है। ये देख सकते हैं आप, पानी के सामने कोई भी पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये पानी बहुत लंबा है, बहुत दूरी तक है। तो दोस्तों यहाँ से नदी मात्र जो है 100 मीटर रह गई है जहाँ पर मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हैं अभी आपको ये पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ, वो वहाँ पीछे था जहाँ पर ये काला सा कुत्ता दिख रहा है। अब यहाँ से मैं यहाँ आ गया हूँ, तो नदी यहाँ से मात्र 100 मीटर दूर है। नदी से दूर रहना ही बेटर होता है, क्योंकि नदी में पानी जो होता है एकदम बढ़ता है, पहाड़ों में पता नहीं होता कहाँ बादल फट जाए कहाँ पानी आ जाए। तो इसलिए इन चीज़ों से देखो और दूर वापस फिर हट जाओ। तो ये पोंग डैम है, देख सकते हैं पोंग डैम का इतना पानी है, इसको गुरु गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद सागर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि एक प्रकार का ये समुंदर है। आप देख सकते हैं ये जो डोगी घूम रहे हैं ये पानी के अंदर मछलियाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ की जो मछली होती है बहुत अच्छी होती है और महंगी मछली है। यहाँ पर जो मछली पाई जाती है उसको राहू कहते हैं, महाशेर कहते हैं। इस नदी के अंदर मछली बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको सामने डोगी दिख रहा है, पानी के अंदर मछली ढूंढ रहा है, नहा भी रहा है। तो आप देख सकते हैं कहाँ तक पानी, कई किलोमीटर तक पानी रहता है इसमें। दोस्तों पानी से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि पानी का पहाड़ों में कभी भी कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए। आपको मालूम ही होगा ब्यास नदी जो है वैसे ही बहुत बड़ी नदी है, और यहाँ पर इसका पानी इकट्ठा किया जाता है। ये एक डैम है यहाँ पर, इसको पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं इतना पानी है इसमें।
आर पार की जो लंबाई और चौड़ाई है पानी की, चौड़ाई यहाँ से 50 किलोमीटर की चौड़ाई है, आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर पानी इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। ये पानी की वो आ रही है, पानी की लहर चल रही है, आप देखते हैं हवा इधर की है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।